हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रोहतक भवानी रोड पर दूध बेचने जा रहे ग्वाले पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी और उसे 3-4 गोलियां लगी बताई जा रही हैं। बाद में उसे गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती करवाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार रोहतक जिले के बलम गाँव के रहने वाले परवीन को, जो कि हर रोज की तरह आज भी दूध बेचने जा रहा था, उस पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। ये हमला रोहतक भिवानी रोड पर वृद्ध आश्रम के पास हुआ। आपको बता दें, परवीन के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। अधिक जानकारी के लिए देखते रहे अजीत समाचार वेब टीवी। जी, हमने गाँव में पता लगा जी, किसी ने फोन कराया तो हम तुरंत उस जगह पर आ गए। तो उस जगह पर उससे पहले दो मैडम इसको यहाँ ले आई, बनियानी स्कूल की प्रिंसिपल थी जी। कितनी गोलियां लगी इनको? उसका गोली जी 3-4 तो ये वाजर हैं जी, और 5 जी हमने उस मौका पे मिली से पड़ी जी। और चक्कू वक्कू भी लग रहे हैं जी, और शायद कोई लठ वठ भी लग रहा है, डंडा वंडा। तो डॉक्टर ने क्या बताया? बाकी ज्यादा पीड़ा बता रहे हैं पेट में, मैं मिलकर आ था।